लोकतंत्र में चुनी गई सरकारें को कैसे गिरा दी जाती है, विपक्ष के विधायक खरीद लिए जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अनुबंध के आधार पर सेना में बहाली नहीं कर रहे हैं। राजभवन में है और बहुत लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है कि ऐसी गोंद है जिससे लिफाफा नहीं खुल रहा। आखिर ये चल क्या रहा? उगाही का, भारतीय जनता पार्टी के उगाही का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है ये राज्य। छोटा भाई, हमने झारखंड से इतना उगाही करके लाया, अब तो मेरा प्रमोशन करो। आप एकदम से सीधा सीधा आप गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल साफ तौर पर गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखने मेरे यहाँ ईडी धर्म नहीं आती कि उस बच्ची को भी लोग धर्म और संप्रदाय से जोड़ रहे हैं। 35 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की जो परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी। स्वाभाविक तौर पर जब आदमी बेरोजगारी में रहता है तो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, और जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में रहता है वो किसी के ऊपर भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। तो रघुवर दास जी के इल्जामों को ज़्यादा तवज्जो और तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं रघुवर दास जी के इल्जामों को फ्रस्ट्रेटेड इल्जाम की संज्ञा देना चाहता हूँ। देखिए, महागठबंधन की सरकार जब बनी तो जो चुनाव में हमने वादे किए थे या जो इस राज्य की चिर परिचित मांगे थी, जनमानस की मांगे थी, आज 1000 दिन महागठबंधन सरकार का पूरा हुआ है। उस 1000 दिनों में अगर आप देखें तो जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने शासन काल में सिर्फ राजनीति करने का काम करती थी, उसको हमने अमली जमा बनाने का काम किया है। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बात आप ले लें, 12 शिक्षकों का बात ले लें, सहिया सेविका की मानदेय बढ़ाने की बात ले लें, नेतरहाट फायरिंग रेंज की बात ले लें, 1932 खतियान की बात ले लें, OBC आरक्षण की बात ले लें, तमाम मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आने के बाद आप अभी तक जो भी सरकारी फैसला ले रही थी, जैसे कि शिक्षकों को लेकर और बहुत सारी चीज़ें को लेकर, उसमें तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत खुशी थी। उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि एक झारखंड में समाज दो धड़ में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं? यही है भारतीय जनता पार्टी का धर्म जाल, और इसे ही हम मोदीनोमिक्स की संज्ञा देते हैं कि जो सही कामों को भी धर्म की स्थिति में ला करके खड़ा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को कहा है। 1932 का खतियान कैबिनेट से पारित हुआ, उसके बाद इसमें संशोधन की भी गुंजाइश है, ग्राम सभा है, विधानसभा भी है, विधानसभा के पटल पर उस पर संज्ञान लिया जाएगा, ग्राम सभा में संज्ञान लिया जाएगा। तो तमाम चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद, जिससे कि ना तो कोई व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का संचय रहे, क्योंकि हम राजनीति पूरे राज्य के लिए करते हैं, हमारी प्रतिबद्धता राज्य के 3.25 करोड़ जनता के साथ है, हमारी प्रतिबद्धता किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। तो हम 3.25 करोड़ राज्य की जनमानस का जो स्वाभिमान है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, हम उसको पूरा करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अनुबंध के आधार पर सेना में बहाली नहीं कर रहे। आपकी पार्टी का ये स्टैंड है कि जो अभी एक लोगों में स्थिति है, मनोस्थिति की, नहीं भाई हमको कहीं हटाया नहीं जाए, ये चीज़ों पर क्या आप विश्वास में लोगों को ले रहे हैं और ले लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम की स्थिति फैला रही है, तो उस भ्रम की स्थिति से जनता को निकालने का भी काम हमारा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार .. सरकार। लोकतंत्र में चुनी गई सरकारें को कैसे गिरा दी जाती है, विपक्ष के विधायक खरीद लिए जाते हैं,
बिना सबूत के विपक्ष के विधायकों के नेताओं के सांसदों के घर पर ईडी पहुंच जाती है। तीन लोग तो वहां भी हैं सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ईडी पहुंच जाती है, लेकिन एक माह से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। विकास को अवरुद्ध करने का लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में कर रही है, लेकिन महामहिम यह कहते हैं कि ऐसी गोंद है जिससे लिफाफा नहीं खुल रहा। आखिर ये चल क्या रहा है? तो यह प्रश्न भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। विधायक खरीद लो, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दो, लेकिन एक लिफाफा नहीं खुलता है। लोग जरूरत पड़ी तो झारखंड में जहां भी पार्टी का नेतृत्व तो कहेगा वहां दो कमरे का मकान किराए पे लेकर यही रहने का काम करूंगा। जरूरत पड़ी तो झारखंड में जहां भी पार्टी का नेतृत्व तो कहेगा वहां दो कमरे का मकान किराए पे लेकर यही रहने का काम करूंगा। अभी झारखंड में नए प्रदेश प्रभारी आए हैं बीजेपी के, उनके आने से कितना बदलाव होने वाला है? क्या ऐसा लगता है कि उनके आने से बहुत सारी गोटियां एकदम उधर सेट होंगी और यहाँ पर एक सरकार को चैलेंज मिल सकता है? नहीं 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 नहीं, भाजपा के प्रदेश प्रभारी के आने से किसी को कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि यहाँ मोटा भाई भी आ जाएंगे तो कोई चैलेंज नहीं। 2029 तक इन लोगों की दुकानदारी बंद है, ये क्लोज। 2029 के बाद ये लोग गोटी सेट करें तो उस पर फिर कुछ कह सकता हूँ। ये झारखंड के प्रभारी यहाँ आते हैं, अभी गुजरात में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। उगाही का, भारतीय जनता पार्टी के उगाही का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है ये राज्य। प्रभारी आते हैं यहाँ गोटी सेट नहीं करते हैं, ये जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और उगाही करके मोटा भाई को देते हैं कि मोटा भाई हमने झारखंड से इतना उगाही करके लाया, अब तो मेरा प्रमोशन करो। आप एकदम से सीधा सीधा आप गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, और मैं बिल्कुल साफ तौर पे गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहा हूँ। भेजे मेरे यहाँ ईडी, भेजे मेरे यहाँ सीबीआई, आई एम वेटिंग। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई से आप मुख नहीं मोड़ सकते। सच्चाई आप चंद दिनों के लिए छिपा सकते हो अपने जुमले में, अपने झूठ में, लेकिन सच्चाई एक न एक दिन तो बाहर आएगी, और सच्चाई अब इन लोगों की बाहर आने लगी है। आज आप देखो कि हिंदुस्तान का एक व्यक्ति देश के पूरे विश्व के सातवें पायदान पे चला जाता है अमीरी में, और हिंदुस्तान का गांव और प्रखंड ब्लॉक पंचायत में बैठा व्यक्ति एक शाम खा रहा है महंगाई में और दूसरे शाम के लिए सोच रहा है। ये है देश की सच्चाई इन 8 सालों में। आप सेना का राजनीतिकरण कर दिए हो, सेना निष्पक्ष थी इस देश की आजादी के समय से लेके आज तक। काफी विरोध हुआ सेना की बात जो आपने कही उसको लेकर, काफी विरोध भी हुआ, आगजनी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज देखिए फिर तो सारे लोग उसी तरीके से सेना में भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे हैं और काफी ज्यादा मतलब कि उसके लिए भी लाइन लगी हुई है। ये खुशी की बात नहीं है केंद्र सरकार के लिए, ये शर्म की बात है कि आपने यह कहा था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज 16 करोड़ युवा, भारत एक युवा देश है, 16 करोड़ युवा इन 8 सालों में नौकरी पे लग जाना चाहिए, और 16 करोड़ युवा नौकरी पे तो नहीं लगे, बल्कि 40 करोड़ युवा नौकरी से निकाल दिए गए कोरोना काल में। ये तो अभी देश में जो सरकार अभी केंद्र में है उसकी बात हो रही है, हम लोग तो इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे कि भाई झारखंड में अगर हमारी सरकार मान लीजिए जो भी है, अगर अभी हेमंत सरकार है, आप लोगों का एक साझा सरकार है, तो झारखंड की तो स्थिति बदलेगी ना? झारखंड की स्थिति बदली, युवाओं के लिए बिल्कुल बदली। हम हाथी उड़ा करके युवाओं को छल के ठग के हैदराबाद महाराष्ट्र
दमन द्वीप अंडमान निकोबार 5000 की नौकरी के लिए नहीं भेज रहे, 27% आरक्षण इसी राज्य में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को मिलेगा, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार पूरी तरह कदम आगे बढ़ा दी है। कई विभागों में आप देखें नियुक्तियां जारी है, और जिन विभागों में पद खाली है अविलंब कहा गया है कि आप उस पद का पूरा ब्यौरा समर्पित करें ताकि हम वैकेंसी निकालने का काम करें। 2 साल 2.5 साल लगभग कोरोना काल में गुजर गए। जब कोरोना काल समाप्त हुआ उसके बाद जब सरकार ने पकड़ी तो तमाम चीजें इस राज्य के विकास के लिए सफलतापूर्वक हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार ने करना शुरू कर दिया। आने वाला जो अभी सरकार के बचा हुआ समय सरकार का है आप लोगों का, इसमें आप क्या झारखंड के युवाओं को या लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हाँ इतने दिनों में हम लोग अपने वादे को नौकरियों के लिए सरकार पूरा कर लेगी? हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं, राज्य के युवा, राज्य की महिला, राज्य के व्यापारी स्वयं अपने आप को विश्वास इस बात का कर रहे हैं कि यही सरकार है जिसके कार्यकाल में मेरे चेहरे पे सुकून और खुशी व्याप्त है। ये हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं, उनको स्वयं विश्वास। ये आप लोगों का भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के द्वारा निकाला जा रहा है, काफी भीड़ है, इसके बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार 2014 से लगातार देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, अब देखें कि कितनी सरकार के द्वारा कह लें या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कह लें कि कितनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है कि अगर पद यात्रा में एक 5 साल की 4 साल की बच्ची भी अगर हिजाब पहन करके राहुल जी के साथ पद यात्रा कर रही है तो उस पर इन लोगों को भी शर्म नहीं आती कि उस बच्ची को भी लोग धर्म और संप्रदाय से जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो यही है भारत जोड़ो यात्रा का अभियान कि हम इस देश से नफरत खत्म करें, जो समाज में एक तफरका फैला दी है उस तफरके को हम खत्म करें, समाज का जो एक आपस का भाईचारा है वो बरकरार रहे, अखंड रहे, क्योंकि भारत मेरा शुरू से अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। सोशल संवाद सच के साथ।